पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्म भूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्या वासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है।